सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे और कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। वाह भाभी जी, क्या लग रही हैं आज तो आप, एकदम छेला वांडा लग रही हैं। मुझे माल रोड शिमला में मिली थी, एक बहुत ही क्रेजीएस्ट फैन थी वो, जो है उस वो बुरी तरह से मेरे से लिपट गई थी, बुरी तरह से। और मतलब वो बहुत छोटी बच्ची थी, मतलब कोई होगी शायद 15 साल की लड़की, और उसने बाकायदा मेरा कान खींच के मेरे कान में कहा आई लव यू। तो मैंने कहा यार, बड़ी बुरी तरह कान खींचा और बहुत गहरे तक बात पहुंचाई। देखो भाई जा रही आपकी। अरे रियल लाइफ, रियल वाली कुटाई कर देंगे। वैसे 8 साल में तो अब यही लगने लगी हैं। तो हकबक करके जाओ हाँ थोड़ा। चलिए तो हम लोग हाँ क्रेजीएस्ट का नाम बता रहे थे, तो फिर आप थोड़ा डर गए थे, झिझक गए थे जिस तरीके से। हाँ मैं झिझक गया था, मैं वाकई झिझक गया था। फिर वो छोड़ ही नहीं रही। फिर उसके पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा एक मिनट रुको। फिर उसको बचक बकायदा उन्होंने खींच के पीछे छुड़ाया बकायदा। हो सुल्ताना रे, प्यार का मौसम आया, अरे हाय रे हरी हरी छाया हूँ। बोलो ना बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुमरी, बोले रे यही बतियाँ सुन सुन के जिया मोरा डोले। हो नि सुल्ताना रे। नमस्कार, मैं रोहिताश गौड़ और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। ये एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही है। 8 साल कैसे गुजर गए हमें समझ में ही नहीं आया, पता ही नहीं चला। नेचुरली पता इसलिए नहीं चला क्योंकि वो लिखा इतना अच्छा गया, किरदार इतने अच्छे गढ़े गए कि उसको करने में जो है समय व्यतीत हुआ और उसका एहसास भी नहीं हुआ कि कैसे 8 साल हो गए, 2000 एपिसोड पूरे हो गए। ये एक बेहतरीन एहसास है जो ताउम्र हम संजो के रखेंगे। पहली बात तो यही है कि जब ये सीरियल मुझे ऑफ़र हुआ था उस समय मैं ये सीरियल करना चाहता ही नहीं था, क्योंकि ये नए चैनल पर था और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है पीछे कुछ इस तरह से रहा था कि मैंने कुछ बहुत बेहतरीन काम किए थे लेकिन वो नज़र में आए ही नहीं। तो मेरे दिमाग में ये था कि ऐसे जगह काम क्यों करना जहाँ पर जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो। तो अब जो है कुछ बड़े काम बड़ी जगह किए जाएंगे। जब मैं ये विचार लेकर मैं कूदा तो मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि देखो ऐसा है कि ये जो सीरियल है इसमें आप हीरो हो और 50 साल की उम्र में हीरो का रोल आपको कौन देगा। तो इसमें दो हीरो हैं, एक तिवारी जी और एक विभूति नारायण मिश्रा। तो आपको तुरंत ये करना चाहिए क्योंकि हीरो का रोल है वो कहीं भी मिल रहा है तो नेचुरली मेन फोकस इन दोनों पर होगा। तो मुझे उसकी बात समझ में आई, मैंने कहा यार बात तो सही कह रही, इसमें ये मत देखो कि ये छोटी जगह या बड़ी जगह है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा ये विचार कि छोटी जगह काम नहीं करूँगा वो इतनी बड़ा हो जाएगा कि आज जो है वो मतलब ऑडियंस के दिलों तक में वो राज करे। मतलब आपके लिए ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि एक आदमी के उसमें सक्सेस के पीछे एक वाइफ का हाथ होता है और आपके लिए मतलब बिल्कुल। तो फिर हस्बैंड वाइफ में जब ये सक्सेस मिला तो क्या बात हुई कि यार तुमने मुझे। हाँ उन्होंने कहा देखा मैं जीत गई ना, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा बहुत सही मतलब सलाह दी और बहुत सही वक्त पर मैंने उसे माना भी। देखिए आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, टीवी मतलब थिएटर में भी काम करते हैं सब, लेकिन इस जो धारावाहिक ने आपको कितना क्या दिया, आपसे क्या लिया, क्या सिखाया? बहुत कुछ दिया, मतलब आपको नाम दिया, शोहरत दी, आपको घर घर तक पहुंचाया, आपको पैसे भी दिए, ऐसा नहीं है। तो ये सब तो दिया ही दिया। और साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ जो इस सीरियल के साथ रही है कि इसको बहुत सारे फिल्म के लोग भी देखते रहे हैं, जिनमें मुझे जॉनी लीवर साहब का फ़ोन आया। हाँ जी, मेरे को जॉनी लीवर साहब ने फ़ोन किया था ये देखते हुए, मुझसे जानना चाहता मैं कहाँ का हूँ और मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है, वो सब पूछा उन्होंने मेरे से। उन्होंने कहा कि आपका अच्छा है, आपका किरदार को पकड़ने की अच्छी क्षमताएं हैं आपके अंदर, आप अच्छा काम करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर सलमान खान साहब ने जो है आसिफ भाई को फ़ोन किया था, उन्होंने बताया भी होगा शायद आपको।
तो वो चीज़ बहुत अच्छी रही है। तो उसके बाद पुराने कलाकार अनिल धवन साहब ने, प्रेम चोपड़ा साहब ने, तब मुझे ये एहसास हुआ कि फिल्म के लोग भी पसंद कर रहे हैं। धर्मेंद्र साहब की पूरी फैमिली देखती है, बॉबी देओल और सनी देओल, धर्मेंद्र जी खुद। आप आए थे क्या सेट पर, आए थे क्या एक बार? नहीं सेट पर, बाकी शक्ति कपूर वगैरह, अक्षय कुमार वगैरह तो सब आते ही रहे हैं हमारे सेट पर। तो वो जो हैं हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे उनसे इस दौरान। और आपके किरदार के लिए क्रेजियस फैन, अगर मैं बोलूँ कोई मोमेंट आपको याद आता है कि? मुझे माल रोड शिमला में मिली थी, एक बहुत ही क्रेजियस्ट फैन थी वो, जो है उस वो बुरी तरह से मेरे से लिपट गई थी, बुरी तरह से। और मतलब वो बहुत छोटी बच्ची थी, मतलब कोई होगी शायद 15 साल की लड़की, और उसने बाकायदा मेरा कान खींच के मेरे कान में कहा आई लव यू। तो मैंने कहा यार, बड़ी बुरी तरह कान खींचा और बहुत गहरे तक बात पहुंचाई। देखो पाइप जा रही है आपकी। रियल लाइफ, रियल वाली कुटाई कर रही है। वैसे 8 साल में तो अब यही लगने लगी हैं। हकबक करके जाओ हाँ थोड़ा। चलिए तो हम लोग हाँ क्रेजियस्ट का नाम बता रहे थे, तो फिर आप थोड़ा डर गए थे, झिझक गए थे जिस तरीके से? हाँ मैं झिझक गया था, मैं वाकई झिझक गया था। फिर वो छोड़ ही नहीं रही। फिर उसके पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा एक मिनट रुको। फिर उसको बाकायदा उन्होंने खींच के पीछे छुड़ाया बाकायदा, और फिर वो बड़ी खुश हुई, फिर मेरा नंबर लिया उन्होंने, तो फिर काफ़ी देर टच में रही, अभी भी हैं टच में। तीन डायलॉग तुरंत बॉलीवुड के किसी भी फिल्म का, कोई भी कैरेक्टर मेल फीमेल है नहीं, तीन डायलॉग जो हमेशा आपसे, मतलब आपको अगर आप फिल्म बफ हैं तो ये तीन डायलॉग याद रहते हैं। सरदार मैंने आपका नमक खाया है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वाह भाभी जी क्या लग रही हैं आज, तो आप एकदम छिला वांडा लग रही हैं। परिभाषा क्या है आपके शब्दों में, और दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज आपके लिए क्या है? मेरी माँ सबसे खूबसूरत चीज है मेरे पास। एक बार फिर से, मेरी माँ मेरी सबसे खूबसूरत चीज है। परिभाषा? माँ की क्या परिभाषा दूँ, माँ की कोई परिभाषा नहीं। एलाबरेट? माँ आपने कहा है तो थोड़ा सा दो शब्द जो आप। मेरी माँ मेरा सब कुछ है, जहाँ खड़ा हूँ माँ की वजह से खड़ा हूँ, ये जान, ये शरीर, ये खून, ये धमनियों में बहती हुई रगें, ये सब माँ की देन है। क्या बात है, मोनोलॉग है आपके पास। सबसे ज़्यादा डर दुनिया में किस चीज़ से लगता है आपको? बीमारी से। बीमारी? कोई भी बीमारी जब आदमी आपको होती है, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो कुछ नहीं। एक गाना जो तुरंत याद आता है, या शायरी, या कविता, जो हो निसुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, अरे हाय रे हरी हरी छाया हूँ, बोलो ना बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले रे, यही बतियाँ सुन सुन के जिया मोरा डोले, हो निसुल्ताना रे हो निसुल्ताना रे। आप सिंगर भी हैं क्या? हम सब गा लेते हैं, सुर सार सब ताल भी बजा भी लेते हैं। क्या बात है, सुबह बिस्तर से उठते ही कौन सी तीन चीजें सबसे पहले करते हैं? ना मैं सबसे पहले तो 6 बजे नित नियम उठ जाता हूँ, चाहे रात के 2 बजे सो तो भी 6 बजे उठ जाता हूँ, और मैं सुबह उठते ही आंवले का सेवन करता हूँ। आंवला बाजार से लाके, बाबा रामदेव वाला वो नहीं, आंवला लाके उसको जूस निकाल के वो पीता हूँ। तभी आपके बाल इतने सुनते। अरे तेरे तो ज़्यादा गहराई में मत झांकिएगा। तीसरा काम है, उसके बाद मैं सैर करने जाता हूँ, उसके बाद मैं प्राणायाम करता हूँ, भ्रामरी प्राणायाम करता हूँ, और 45 मिनट की फास्ट वॉक करता हूँ। भारी चीज़ें बिल्कुल नहीं उठाता, उठा ही नहीं जाती। अंतिम सवाल, आपकी ड्रीम लाइफ क्या है? ड्रीम लाइफ मेरी यही है कि मैं भाभी जी के अलावा भी और
नाम कमाना चाहता हूँ एक अलग लेवल पर, जो मेरे ही साथी कमा रहे हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं, बकायदा हमने साथ काम भी किया है उस लेवल पर। जाते आते अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे? आपने भाभी जी घर पर है को जो प्यार जो मोहब्बत दी है उसे बरकरार रखिएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम और भी बेहतरीन और अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।